ए हो गया है, जैसा कि हमारे फैजी साहब ने बताया, पहले ये बिल हुआ करता था CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि उसमें से सिर्फ मुसलमान गायब है, बाकी जैन, सिख, हिंदू, दलित वगैरह, सिख ईसाई सारे हैं, और हमारा मुसलमान मुशायरों टिकटॉक में खोया हुआ है। 25 दिसंबर को यहाँ पर मुशायरा होगा, सब वहाँ पर जाएंगे, रातों को टॉर्च निकालेंगे और वाहवाही करेंगे, ये जागा हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने का नाटक करते हैं लेकिन जागते नहीं, और कुछ सोए हुए हैं, ये दोनों को हमको जगाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको वल्गराएंगे कि ये रुकाएंगे, तो मेरा उनको मैसेज है, उन सब नौजवानों को, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जो बोल रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं, जो लिख रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं, उनके लिए आगे आएं। आज ही अगर CAB आया है, मुसलमान अब जागा है, तो उसकी जरूरत क्या पड़ी कि अब जागा। अगर हम पहले जागते, बीफ बैन हुआ हम आगे नहीं आए, लिंचिंग हुई हम आगे नहीं आए, शरीयत में मुदाखिलत हुई हम आगे नहीं आए, ट्रिपल तलाक बिल आया हम आगे नहीं आए, हमारी मस्जिद हमसे छीनी गई हम आगे नहीं आए। तो उन लोगों ने देख लिया, सारी स्टडी कर ली RSS ने, RSS के लोगों ने, कट्टरवादियों ने, इनकी शाखाओं ने, कि मुसलमान सोया हुआ है, हम ये बिल लेकर आएंगे तब भी ये जागने नहीं वाला। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि आवाज़ उठी नॉर्थ ईस्ट से, जैसा कि आप मेरे से ज़्यादा पत्रकार जानता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो आगजनी और जो तोड़मताड़ी स्टार्ट हुई, आज कश्मीर वाला है ना, कश्मीर वाला फक्र महसूस कर रहा होगा और ये सोच रहा होगा कि चलो हमारे लिए जो हमारे साथ हुआ आज वो इनके साथ हो रहा है, तो आज ये भी जाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं तारीख, आप उठा लो, हिंदुस्तान तीसरे नंबर बनेगा, पहला था स्पेन, दूसरा था बर्मा, तीसरा बनेगा हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए। अगर इस ये कौम अगर नहीं जागी, नहीं उठी, नहीं मुजरा करना छोड़ी टिकटॉक पर, नहीं मुशायरा छोड़ी, ना ही ये फर्जी सेकुलर की अफ्तार पार्टी छोड़ी। अब मैं आता हूँ, जो मैंने अपनी पहली दो लाइन कही थी उसको वापस दोहराता हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, जब राज्यसभा में जरूरत थी मुसलमानों की, वहां ये फर्जी सेकुलर गायब था। NCP के दो सांसद, जिसमें एक मुसलमान है और एडवोकेट भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, मजीद मेनन साहब, मैं नाम ले रहा हूँ ना, ठीक है, TMC का एक सांसद, सो कॉल्ड सेक्युलर JDU, सो कॉल्ड सेक्युलर TDP, सो कॉल्ड सेक्युलर जगनमोहन रेड्डी की YSRCP, सो कॉल्ड सेक्युलर BSP बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती के दो सांसद, सेक्युलरिज्म के सारे ठेकेदार, फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन मुसलमान के मुद्दे और मुसलमान नहीं चाहिए। मैं आवाम और मुसलमानों से सबसे पहले ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि फर्जी सेकुलरों का बहिष्कार करो, पहले अपने आस्तीन के सांपों को निकालकर फेंकिए। BJP तो हमारी है ही नहीं, सबको मालूम है, BJP RSS ना हमारी थी ना कभी होगी। शिवसेना का समर्थन करने वाले फेक सेकुलर हो और राज्यसभा से बॉयकॉट करके BJP का CABCA पर समर्थन करने वालों का बॉयकॉट होना चाहिए। और सबसे मैं लास्ट यही कहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुसलमान और नौजवान टिकटॉक मुजरा अफ्तार पार्टी मुशायरा छोड़े और इस बिल को पढ़े। ये है क्या, इससे आगे क्या होगा, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। आप लोग एक डॉक्यूमेंट्री में पत्रकार रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आसाम में डिटेंशन सेंटर बना है वहाँ पर जो मुसलमानों की हालात है उसको आप अल्लाह के वास्ते स्प्रेड करिए, बाहर लाइए और इस कौम को जगाइए। ये कौम जागने वाली नहीं है, ये सुबह 12 बजे 1 बजे उठने वाली है।